Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue this chapter, The Old Clock Shop. बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये चैप्टर और अब जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो आप लोग रेडी रहे हैं आंसर देने के लिए. तो इसमें क्या पढ़ा था बच्चों हमने, इसके बारे में पढ़ा था मिस्टर री जिनकी क्या थी, एक ओल्ड क्लॉक शॉप थी और किस कौन सा फेस्टिवल चल रहा था, क्रिसमस का फेस्टिवल चल रहा था और लेट नाइट में सारी शॉप्स बंद थी, खाली किसकी खुली थी, री की, मिस्टर री जो शॉप थी स्टिल इट्स ओपन राइट. और कौन आया था वहां पे, दो आदमी आए थे और क्या इंटेंशन था, रॉबिंग का था उनका कि रॉब द शॉप, बट किस स्ट्रेंथ से अपने विजडम से मिस्टर रे ने जो है उनको गलत रास्ते में जाने से रोका. इवन अपने ऊपर जो मे भी कुछ भी हो सकता था उस मोमेंट में हाफ एन आवर में, तो उसको भी उन्होंने अपने विजडम से रोका. क्लियर? तो इसी के अभी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, द ओल्ड क्लॉक शॉप. तो ये चैप्टर बच्चों कौन सी बुक का है हमारा, ये पैक विद द सन सप्लीमेंट्री बुक. दिस इज योर आई थिंक फोर्थ चैप्टर. तो यहाँ पे मैसेज हमने कल पढ़ा था कि मैसेज क्या है इसमें, पीस ऑन अर्थ, टाइमलेस मैसेज, पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल. ये किस तरह से उसने अपने विजडम और जेनरसिटी से एक जो है एक घटना घट सकती थी वहां पे उसको रोका था. तो बच्चों हमने जो ये समरी भी डिस्कस कर ली थी, द स्टोरी कंक्लूडेड पीसफुली गिविंग अ स्वीट एंड सिंपल मैसेज. तो एक्सपीरियंस बच्चों बहुत मैटर करता है क्योंकि जो मिस्टर रे थे ओल्ड थे और किस तरह से डम एंड डेफ थे और किस तरह से उन्होंने जो है अपने कह सकते हैं कि उस समय जो सिचुएशन थी उसको कैसे हैंडल कर, उसको कैसे टैकल कर. नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपकीपर. अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले उसको समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन. व्हाट मेड रे थिंक द, मतलब क्या ऐसी कौन सी वहां पे बातें हुई थी जिसके कारण जो है रे ने ये सोचा कि विजिटर वॉज नॉट रियली शॉपर, या क्या उसमें देखा था उन दो विजिटर्स में कि उनको लगा था कि दे वर नॉट शॉपर और कि इनका इंटेंशन कुछ और है. रे वॉज डम एंड डफ बट ए गुड जज ऑफ मैन, क्योंकि उनको क्या थे बहुत वाइज थे और उनकी जो आईज थी, क्योंकि डम एंड डफ थे कुछ बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, बट ही वॉज an intelligent man. Ray was deaf and dumb but a good judge of man. कि वो सामने वाले को, क्योंकि एक तो होता है ना बच्चों experience, जैसे मैंने कहा experience बहुत matter करता है, तो experience के कारण जो है उनको लग गया था कि इनका intention जो है it is not good. तो Ray was deaf and dumb, कैसे थे वो dumb, but a good judge. लोगों को जो है पहचान जाते थे कि वो किस टाइप का लोग हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो नीडी लोगों को हेल्प करते थे, ये हमने वहां पढ़ा था. हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट, मतलब अपने आप उनको लगा था कि दैट द न्यू विजिटर टू हिज शॉप एट दैट लेट आवर, इतनी रात को अगर कोई आया है तो उनकी आंखों ने जज कर लिया था कि दे वर नॉट शॉपर और इनका इंटेंशन है टू रॉब द शॉप. Was not a shopper or customer. There was no friendliness in his eyes. और उनकी आंख में जो है कोई क्या नहीं दिख रहा था, friendliness नहीं था. एक होता है ना कि अगर सामने वाला rude होगा तो, और rude है और उसके हाथ में pistol है और एक आदमी को खड़ा करके आ रहा है गेट में, तो मे बी उसका intention जो है मे बी wrong हो सकता है. तो इसलिए जो है उन्हें लगा था कि he was not a customer or shopper. Now come to the next question. What do you think he had come to the shop? तुम क्या सोचते हो कि वो दुकान में क्यों आया था? तो ये the visitor had not come to the shop to buy anything. सबको आप लोगों को भी यही लगा होगा कि maybe जो है ये कुछ खरीदने नहीं आया था. Perhaps, शायद his intention was, perhaps his intention was to loot the honor of, कि उसका जो कैश है शॉप में
उसको लूटने आया था, क्योंकि वो किस में आया था, लेट आवर्स में आया था, रात में आया था, जब सारी शॉप्स जो है क्या हो गई थी, क्लोज हो गई थी, खाली रे की जो शॉप थी स्टिल ओपन. ही वॉज इन डायर नीड ऑफ मनी, और उसको किसकी जरूरत थी, पैसों की. हाउ डिड रे कम्युनिकेशन विद हिम? अब बच्चों रे ने जो है उससे कम्युनिकेशन कैसे करा था? अब क्योंकि वो क्या थे बच्चों, थम एंड टाफ थे, तो कैसे कम्युनिकेशन करा था, एक नोटपैड और एक पेंसिल उन्होंने उनके आगे जो है स्लोली आगे कर दी थी, जिससे कि वो जो है कोई भी नोट जो है उसमें लिख सके. रे कुड नीदर स्पीक नॉर हियर. अब जो रे थे ना वो लिख सकते थे, सॉरी ना बोल सकते थे, ना नॉर हियर सुन सकते थे. सो ही कॉम्युनिकेटेड. तो कैसे कॉम्युनिकेट करते थे, क्योंकि अब डेड है तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉम्युनिकेटेड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो सो ही और मिस्टर रे कॉम्युनिकेटेड विद हिज कस्टमर बाय राइटिंग हिज मैसेज ऑन अ नोट पैड. अब वो कम्युनिकेशन कैसे करते थे, अगर कोई शॉप में आता था, सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, तो क्या करते थे, एक मैसेज जो है किसमें लिखते थे, नोट पैड में. ही रोट अ मैसेज और राइटिंग अ मैसेज इन द नोट पैड. द विजिटर ऑल्सो रोट, और उसके रिप्लाई में क्या करते थे, विजिटर भी जो है क्या करते थे, मैसेज में ही रिप्लाई करते थे. द विजिटर ऑल्सो रोट हिज रिप्लाई ऑन द पेपर ऑन द नोट पैड. क्लियर? तो कम्युनिकेशन कैसे करेगा, अगर कोई डम एंड डफ है तो क्या करेगा, पेपर में लिख के करेंगे बच्चों. कैसे करेंगे, लिख के करेंगे. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर? आप क्या सोचते हैं कि जो ओल्डर विजिटर था उसने अपने फ्रेंड को जो कहाँ खड़ा था एट द डोर क्या बोला होगा उसको? द ओल्डर विजिटर पॉइंटेड टू हिज इयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. सॉरी, इसमें मीनिंग है, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर, जो कहां पे डोर पे जो है क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, उसको क्या बोला होगा? द ओल्डर मैन पॉइंटेड ऑन हिज ईयर एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, दस ही कन्वेड टू हिज यंगर कंपेनियन दैट द शॉप ओनर. क्योंकि उसने पहले बता दिया था कि मैं जो हूँ डम एंड डफ हूँ, इशारे से बता दिया था, साइन से. तो उसने अपने यंगर कंपेनियन को बताया कि दैट द शॉप ओनर कुड नीदर हियर नॉर स्पीक, न सुन सकते ना बोल सकते. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. री वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर. अब पॉन ब्रोकर मैंने आपको पहले भी बताया था, किसको बोलते हैं पॉन ब्रोकर, कि अगर हम जो है कोई चीज किसी के पास गिरवी रखते हैं, सपोज मैंने अपनी घड़ी रखी या मैंने अपना टीवी रखा या कुछ सामान रखा, गोल्ड रखा अगर गिरवी, और वो उसके बदले में रिप्लेस हमें क्या देंगे, पैसा, उसको बोलते हैं पॉन ब्रोकर. तो क्या रे थे? नहीं, रे वॉज नॉट पॉन ब्रोकर. वाई देन डिड ही लेंड मनी टू, फिर भी उसने जो है पैसा क्यों दिया था, लेंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेस, पुरानी घड़ी या क्लॉक के बजाय, इन प्लेस इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाई ही लेंड द मनी टू दोस पीपल, क्यों दिए थे उनको पैसे, क्यों दिए थे बच्चों, क्योंकि वो कैसे थे, नीडी थे, क्योंकि उनको जरूरत थी पैसों की, इसलिए उन्होंने क्या करा था कि उनकी क्लॉक और वॉचेस को क्या रखा था, अपने पास रखा था, और उससे ज्यादा जितनी उनकी वर्थ नहीं थी, मोर देन उनको पैसा दिया था. री वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था. अ पर्सन हु लेंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में क्या रखते थे वो, सम आइटम, जैसे अपनी वॉचेस रख दी या क्लॉक रख दी, कुछ भी रखते थे, बट जितनी उनकी वर्थ नहीं होती थी, जितनी उनकी वैल्यू नहीं होती थी, जितनी कॉस्ट नहीं होती थी, उससे ज्यादा पैसा जो है वो उनको ऑफर करते थे या देते थे. ही कुडंट से नो टू द नीडी पीपल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काइंड थे, जेंटल थे, किसी को भी नो नहीं कहते थे, नहीं नहीं कहते थे, निजी पीपल. आई समझ गए बच्चों, जो जरूरतमंद लोग होते थे जिनको पैसों की जरूरत होती थी, तो वो ये नहीं देखते थे कि इसकी वर्थ कितनी है, इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, वो उससे ज्यादा पैसा उनको देते थे, क्योंकि वो कैसे थे बच्चों, नीडी पीपल थे, उनको जरूरत थी पैसों की. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अभी आप लोगों से ही एमसीक्यू क्वेश्चन है, आगे तो आप लोगों से ही पूछे जाएंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन. तो सारे बच्चे रेडी रहे, और जो बच्चे शैतानी कर रहे हैं क्लास में, रेजन कर रहे हैं, उनसे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे. प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी.
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल. अब हमने पढ़ा था बच्चों चैप्टर में कि जो घड़ी थी जो उसने गिरवी रखी थी उसकी वर्थ ज्यादा नहीं थी, स्पेशल घड़ी नहीं थी. ऐसा नहीं थी कि वो गोल्ड की घड़ी थी या कोई बहुत ज्यादा स्पेशल आइटम था, ज्वेल्स लगे थे उसमें, एक ऑर्डिनरी वॉच थी. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पास. और जब हमने पढ़ा था उस घड़ी में क्या था, इतनी वैल्यू नहीं थी उसकी, ऑर्डिनरी वॉच थी, बट उसमें क्या थी, ग्रेट पास. क्यों बोला था ग्रेट पास, ये मैंने आपको उस समय क्लियर कराया था. तो यहाँ पे आंसर में आपको वही लिखना है, इन व्हाट सेंस डिड इट मेक ग्रेट पास. क्यों बोला उस घड़ी में जो है ग्रेट पास है, क्यों है इसमें ताकत है, क्योंकि उसने इतनी बैड सिचुएशन से उनको जो है बाहर निकाला था. द वॉच वॉज जस्ट ऑर्डिनरी बट इट हैड द पावर टू पुल ए पर्सन आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन. क्योंकि उसने इतनी खराब सिचुएशन थी, क्योंकि उस समय जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, कुछ भी हो सकता था. वो पिस्टल अगर मान लो सामने जो है मिस्टर रे अगर बहुत ज्यादा गुस्से में कहते हैं भाई तुम यहाँ क्यों आए हैं, या आपस में जो है आर्गुमेंट हो जाता, तो मे भी वो क्या करते, पिस्टल निकाल दें, और पिस्टल निकाल के हर्ट भी कर सकते थे रे को, या जबरदस्ती उनका कैश भी ले सकते थे. तो यहाँ पे एक घड़ी ने किस तरह से एक आदमी को इतनी पार थी, पुल अ पर्सन फ्रॉम ए बैड सिचुएशन, उसको एक खराब सिचुएशन से बाहर किया था. द ओल्डर मैन गॉट मनी ही नीडेड विदाउट हर्टिंग रे. और जो आदमी क्या करने आया था, रॉब करने आया था उनको, उसने बिना हर्ट किए, बिना कोई नुकसान किए, उसको जितने पैसों की जरूरत थी मिस्टर रे ने उनको दे दिया था. द जेनरस शॉपकीपर ऑल्सो एस्केप फिजिकल इंजरी. और जो शॉपकीपर थे मिस्टर रे, उनको जो है कोई चोट नहीं लगी, कोई इंजरी नहीं हुई. इन दिस सेंस द वॉच हैड ग्रेट पास. क्योंकि अगर वो घड़ी गिरवी नहीं रखते तो मे बी हमको पैसा नहीं मिलता. अगर पैसा नहीं मिलता तो वो क्या करते बच्चों, कैश को रॉब करते और मे बी हर्ट करते मिस्टर रे को. और मिस्टर रे कैसे थे बेचारे, ओल्ड थे, ही वॉज एन ओल्ड मैन, और कैसे थे, डम एंड डेफ. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच. क्या आपको लगता है कि वो आदमी कभी आएगा अपनी घड़ी को लेने के लिए, क्योंकि घड़ी तो ऑर्डिनरी थी, उसकी वैल्यू भी उतनी नहीं थी. $50 कितने पैसे दिए थे बच्चों, $50 दिए थे, तो उसकी उतनी वर्थ नहीं थी. तो मे भी आएगा या नहीं, तो आप लोगों को क्या लगता है. मैंने तो इसका आंसर लिखा नो. आपको क्या लगता है, नो इट इज वेरी अनलाइकली दैट द ओल्डर मैन वुड एवर कम बैक टू पिकअप हिज वॉच, ही हैड आफ्टर ऑल गॉट ए प्राइस. क्योंकि उसे क्या मिला था, अपनी घड़ी के प्राइस से ज्यादा पैसा मिला था, हायर देन द वॉच वॉज वर्थ फॉर. जितनी उसकी वैल्यू नहीं थी, मान लो मेरी घड़ी 5,000 की है या 8,000 की घड़ी है, और मुझे मिल रहे हैं 10,000 रुपीज, तो मैं क्यों आऊंगी वापस. और अगर कोई ईमानदार होगा तो वो ऑब्वियस आएगा कि भाई उसने, क्योंकि ये बात दोनों को पता थी कि इसकी वैल्यू इतनी नहीं है, और जितने मुझे पैसे मिले $50. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, When did the unfriendly face of the visitor turn truly friend? कब आपको लगा कि जो ये unfriendly लग रहा था आदमी, कब चेंज हो गया था, वो truly friend बन गया था. तो कब लगा था बच्चों, जब उसने उसको क्या दिया था, $50 दिए थे, और किस तरह से वो friendly बन गया था, और उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे. The unfriendly face of the visitor turned friendly when he got $50 note for his ordinary watch, he felt obliged and happy. जब उसे अपनी घड़ी के जितनी उसकी वैल्यू नहीं थी, मोर देन उसको जो है पैसा मिला था, तो उसे लगा, तो वो बहुत ज्यादा जो है उसका obliged हो गया था और खुश हो गया था. अब बच्चों यहाँ पे MCQ क्वेश्चन है. Now first question है, Christmas Eve falls on. आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा कि क्रिसमस जो है कब आता है, 24th इवनिंग, 25th इवनिंग, या 25th मॉर्निंग, या 25th आफ्टरनून. क्रिसमस कब आता है, क्रिसमस ईव, जैसे हमने पढ़ा था कि सब लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, तो कब कर रहे थे सेलिब्रेट, शॉपिंग कब कर रहे थे, 25th को कर रहे थे या 24th को कर रहे थे, इवनिंग. किसी को नहीं पता बच्चों क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं, शाम से करते हैं, 24th इवनिंग से शुरू हो जाता है, और 25th को जो है वो फुली सेलिब्रेट करते हैं.
तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर जो है 24th इवनिंग से वो लोग क्या कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आंसर जो है, आप लोग कंफ्यूज मत होए कि 25th मॉर्निंग कहेंगे आप, तो यहाँ पे आंसर आए 25th, 24th इवनिंग, क्योंकि 24th इवनिंग से वो डेकोरेट करना शुरू कर देते। क्रिसमस ईव फॉल्स ऑन, क्योंकि क्रिसमस ईव फॉल्स ऑन 24th इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू पर्सन, सारे बच्चे ध्यान दो या आंसर देने की कोशिश करें, प्लीज ट्राई योर बेस्ट। द टू पर्सन एंटर्ड रे शॉप विद, जो दो आदमी, पहले सुनो ध्यान से, जो दो आदमी आए थे टू पर्सन दुकान में, उनकी इंटेंसिटी क्या थी? अच्छे लोग थे ये, ए लॉट ऑफ नॉइस, ये बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे थे, ये इविल इंटेंशन, या उनकी जो इंटेंशन थी, इरादे जो थे वो खराब थे, या अ ग्रेट डाउट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन आंसर देगा? ए बी सी डी, कौन सा आंसर, विच वन इज राइट? पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा, क्या उनकी इंटेंशन अच्छा था? यहाँ पे आंसर दे रखे, आपको इसी में से चूज करना है बच्चों। चैप्टर समझ में आया ये बताइए। अच्छा पहले रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके बताएं, चैप्टर समझ में आया है तो हाथ खड़ा करके बताएं, और नहीं आया है तो पूछें। चैप्टर समझ में आया आप लोगों के? इसका आंसर दो, कौन सा आंसर है, क्या उनका इंटेंशन सही था, या बहुत अच्छे थे वो लोग, या बहुत हल्ला कर रहे थे शॉप में आके? चाहे गलत आंसर आता है, प्लीज आंसर दीजिए, तभी तो हमें समझ में आएगा कि आप लोगों को कितना आता है। तो आंसर क्या है बच्चों, इविल इंटेंशन थी उसकी, उनका जो है इरादे अच्छे नहीं थे। सिंपल सा आंसर है कि वो किसके इरादे से आए थे, चोरी करने के, तो इविल इंटेंशन था उनका, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, रे थॉट दैट द विजिटर, अब रे ने क्या सोचा था, विजिटर क्या थे, वॉज नॉट ए शॉपर, क्या वो शॉपर नहीं थे, क्या सोचा था उन्होंने, वॉज इन हरी, बहुत जल्दी में थे, वॉन्टेड अ क्लॉक, क्या वो खरीदना चाहते थे घड़ी, या विश टू राइट, या वो लिखना चाहते थे। तो सिंपल से क्या उन्होंने सोचा था, कि उनके बारे में क्या सोचा था, कि वो क्या है, शॉपर से शॉपिंग करने आए थे वो। क्या आंसर है बच्चों, बताओ एबीसीडी में से विच वन इज द राइट आंसर? हाँ यस, माइक लेके आंसर दीजिए, बिहार खोली, यस। अब इसमें बताओ आंसर कौन सा है, रे ने क्या सोचा था, रे थॉट, थॉट मीन्स सोचा, क्या सोचा था, कि वॉज नॉट ए शॉपर, कि वो खरीदारी करने नहीं आए, या वो बहुत जल्दी में थे, या वॉन्टेड अ क्लॉक, क्या वो घड़ी खरीदने आए थे, या विश टू राइट, तो विच आंसर इज राइट। तो बच्चों पूरा चैप्टर में यही पढ़ा था कि रे ने क्या सोचा था, कि दे वर नॉट अ शॉपर, वो शॉपिंग करने नहीं आए थे, तो ए इज द राइट आंसर। इट्स वेरी सिंपल, अगर चैप्टर आप ध्यान से सुनते तो इजीली यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे, जैसे हमने आपस में बात करनी है, अब मैं बोल रही हूँ, आप भी जवाब दे रहे हैं, बट रे की शॉप में मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, बातचीत कैसे कर रहे थे वो बच्चों? अ पेन एंड अ पेपर, क्या एक पेन और पेपर में लिख के कर रहे थे, या वर्ड से कर रहे, शब्दों से, या वर्ब से कर रहे थे, या ए नोट पैड एंड अ पेंसिल, एक कागज दिया था या नोट पैड दिया था, क्या दिया था बच्चों? ये तो आता होगा बच्चों, मिस्टर रे ने क्या दिया था उनको, नोट पैड दिया था और एक पेंसिल दी थी, या पेपर और पेंसिल दी थी, विच इज द राइट आंसर? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ए नोट पैड, ए नोट पैड एंड ए पेंसिल। वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अर्पिता बिष्ट। अर्पिता बिष्ट, वेरी गुड अर्पिता, शाबाश, आंसर सही है आपका। आपने अभी तक आंसर क्यों नहीं दिया, आपके चैप्टर समझ में आए बच्चे? यस मैम। ओके, सिट डाउन, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, द ऑनर्स गॉट द देयर वैल्यूएबल बैग। अब जो ऑनर गॉट देयर वैल्यूएबल बैग, कब वापस करते थे? व्हेन दे हैड पेड द प्राइस, जब वो पैसे दे देते थे। When they handed over some rupees, why? When they, यहाँ पे this is your when. When they returned the loan, when they threatened the owner, जब उसको धमका के अपना सामान वापस लेते थे। कब वो सामान अपना वापस लेते थे? When they had paid the price, जब वो पैसे देते थे, या when they handed over some rupees, या कोई पैसा देके वापस करते थे, या when they returned the loan, या वो लोन देते थे, या वो उनको धमकी, threatened means धमकी। तो कौन देगा आंसर बच्चे? जब हम अपना सामान लेते हैं तो कैसे लेंगे किसी से? पैसे देके लेंगे,
या उसको धमका के लेंगे, थ्रेटनिंग करेंगे, उसको कैसे लेंगे बच्चों पैसे, सामान अपना जितना प्राइस है उसका, उसको दे के देन वी रिटर्न आर आइटम, जो भी वॉच है वो वापस लेंगे. एंड द आंसर इज व्हेन दे रिटर्न द लोन, जितना पैसा वो लेते थे उतना जब वापस करते थे तब उसको वापस लेते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉन ब्रोकर. अभी मैंने थोड़ी देर बाद पहले ही आंसर बताया था, सारे बच्चे आंसर देंगे कि पॉन ब्रोकर किसको बोलते हैं. सेल्स पॉन्स, क्या पॉन्स बेचते हैं? यस सेल्स कॉस्टली वॉचेस, क्या महंगी घड़ियां बेचते हैं? या लेंड्स मनी इन एक्सचेंज, या बदले में जो है पैसा देते हैं, कोई चीज गिरवी रख ली उसके बजाय पैसा देते हैं. या लेंड्स कॉस्टली वॉचेस फॉर ए कॉस्टली ऑब्जेक्ट, तो आंसर क्या है? आईसी पंको. वेरी गुड. हाँ बच्चे आंसर, व्हाट इज द आंसर? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सी. हाँ आंसर पढ़ो इसको. लेंड्स मनी इन एक्सचेंज. वेरी गुड. इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा देते हैं किसके बदले में, एक्सचेंज किसके बदले में, पैसा और कोई आइटम जो है गिरवी रख के उसको देते हैं, उसको बोलते हैं पॉन ब्रोकर. व्हाट्स योर नेम? ईशांत ध्यानी. ईशान, वेरी गुड ईशान, योर आंसर इज राइट. सी इज द करेक्ट आंसर, लेंड्स मनी इन एक्सचेंज. सिट डाउन बेटा. वेरी गुड. ऐसे सारे बच्चे आंसर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉच हैज ग्रेट पावर. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वॉच के पास क्या होती है, ग्रेट पावर क्यों थी. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आंसर दिया था इसका. द वॉच हैज ग्रेट पावर एज इट क्योर्ड द सिक, क्या वो बीमार लोगों को बचाती है, बचाया. इट गेव देम सम मनी, या थोड़ा पैसा मिला उसके बदले. इट मेड देम रिच, क्या उसने उसको जो है अमीर बना दिया था. इट हेल्प द मैन इन नीड, या उसने उस आदमी की सहायता करी थी जिसको जरूरत थी. तो व्हाट इज द आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है बच्चों इसका आंसर? ख्याल खेत. आंसर बी. पढ़ो इसको, रीड इट. इट गेव देम सम मनी. और ये वाला आंसर क्या है? इट हेल्प द मैन इन नीड. कौन सा है आपका? बी. लेट सी योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. इट हेल्प द मैन इन नीड. अब इसमें क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस देखो बच्चे, जो आपने आंसर दिया और जो मैंने बताया आंसर. इसका मतलब है इट गेव देम सम मनी, उसने जो है घड़ी के बदले क्या दिया, पैसा दिया. इसका मतलब क्या है? इट हेल्प द मैन इन नीड, जरूरतमंद को जो है जिसको जरूरत थी पैसे की उसकी हेल्प करी. तो वहां पे सिचुएशन कैसी थी बच्चों, उसको जरूरत थी किसकी, पैसे की थी, और इस घड़ी ने क्या दिया था उनको, पैसा दिया था. इट मींस राइट आंसर क्या है, इट हेल्प द मैन, क्योंकि ये दोनों आंसर क्या है बहुत क्लोज है. क्लियर कि यहाँ पे क्या है, इट गेव देम सम मनी कि उसके बदले उसने पैसा दिया था, दिया था पैसा. बट इस अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, जो क्लोज आंसर कौन सा है, दैट इज योर इट हेल्प द मैन इन नीड. क्लियर? व्हाट्स योर नेम? ईशांत ध्यानी. ईशांत, ईशांत समझ में आ गया बच्चे कौन सा आंसर सही है? यस मैम. और क्यों है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है. क्लोज आंसर, आंसर ये भी सही है कि उसको पैसे मिले थे, बट क्लोज आंसर कौन सा है, ठीक है, क्योंकि उसको किसकी थी, जरूरतमंद को जो है उस समय उसको नीड थी, जरूरत थी. तो दिस इज योर राइट आंसर, इट हेल्प द मैन इन नीड. सिट डाउन ईशांत. वेरी गुड, गुड ट्राई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर चेंज, किसमें चेंज हो गया था अनफ्रेंडली फेस, तो किसमें चेंज हुआ था? ए डेविलिश फॉर्म टू ए ब्यूटिफुल फॉर्म टू एन इविल लुकिंग टू ए ट्रूली फ्रेंड इमेज, किसमें चेंज हो गया था? तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज डी, टू अ ट्रूली फ्रेंडली इमेज. डी ऑप्शन इज योर राइट. टू मोर क्वेश्चन आर देयर. दे वर लकी टू गेट, क्यों लकी थे, भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्हें $60 मिले थे, $66, $55 या $50, कितने मिले थे, जल्दी से आंसर दीजिए, कितने डॉलर्स मिले थे उनको? डी आई सी खलियों खेत, कितने डॉलर्स मिले थे? $50. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? अर्पिता बिस्ट. अर्पिता, वेरी गुड अर्पिता, अच्छे आंसर दे रही है ये लड़की, पहले भी दिए थे अर्पिता ने. वेरी गुड, गुड है, कॉन्फिडेंस अच्छा है बच्चे का. $50, तो कितने दिए थे? $50. नेक्स्ट क्या है बच्चे, गिविंग अ $50 नोट शोड रेस की क्या है, बहुत अमीर था ये बताता है. $50 दिए थे,
या रेस की जेनरेसिटी बताता है, या रेस लव फॉर रिचेस बताता है, या रेस सेंस ऑफ ह्यूमर बताता है? तो कौन सा आंसर सही है? उसकी जेनरेसिटी जो है ये बताती है कि वो उसने जो है उसको पैसे देते, एक वो अच्छा आदमी था। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर खत्म, फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, वी कंप्लीटेड द चैप्टर। अगर कई बच्चे जो हैं हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा और हम पढ़ाते रहेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वर्थलेस है वो। क्लियर? तो कहीं पे भी आपको कोई भी चैप्टर जितने हमने अभी तक पढ़े हैं, अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी समय जो है कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों आज यहीं पे हम जो है एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और जिन बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। और इसी तरह से आगे अपनी क्लास में जो है आंसर दीजिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।